हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ एक और पोस्तू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो है बोड़ी पोस्तू। ये बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल एक रेसिपी है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और कम समय में फटाफट से रेडी भी हो जाता है। तो चलिए बड़ी पोस्तू को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ली हूँ एक मीडियम साइज के आलू, जिसे मैंने पहले से ही बॉयल करके रखी हूँ, और ली हूँ बड़ी। मैं इसे बनाने के लिए बाजार का बड़ी यूज कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो घर का ही बना हुआ बड़ी से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अब एक कढ़ाई में हम ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच सरसों का तेल, और तेल गर्म हो जाए तो सारे बड़ी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई करने समय गैस का फ्लेम एकदम से लो में रख के हमें फ्राई कर लेना है, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और अच्छी तरह से ये फ्राई होने के बाद इसे हम लोग निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे दो छोटे चम्मच सरसों का तेल। तेल को कर लेंगे गरम, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 5 फोड़न। अब इस ऑयल में हम ऐड करेंगे जो पहले से ही बॉयल किया हुआ आलू है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ी देर इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो कुछ मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हम एक ही बार में इसमें ऐड करेंगे, दोबारा से नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो अंदाज से यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। तो इस तरह से लगातार आलू को फ्राई करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए, तब हम जो बड़ी फ्राई करके रखे थे उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। अब बड़ी और आलू को एक साथ में कुछ मिनट फ्राई कर लेंगे। और थोड़ी देर से फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देते हैं। अब इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च। आप लोग हरी मिर्च को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसे हम कवर कर देंगे और हाई फ्लेम में 2 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और 2 मिनट बाद कवर निकाल के हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसी स्टेज पे ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड। पॉपी सीड पेस्ट को ऐड करने से पहले गैस का फ्लेम कर देंगे लो, नहीं तो इसे ऐड करने के बाद ही ये जो पेस्ट है ये फट जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड ऐड कर दे रही हूँ। और जिस बोल में पॉपी सीड रखे थे उसी में 2 बड़े चम्मच पानी ऐड करके इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे इसी तरह से कुछ मिनट पकने के लिए छोड़ दे, और कुछ मिनट बाद गैस को ऑफ करके गर्मा गर्म इसे सर्व कर ले। लेकिन सर्व करने से पहले इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल। पोस्तू में कांचा सरसों का तेल ऐड करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। सो फ्रेंड, आशा करती हूँ आज का ये बोड़ी पोस्तू रेसिपी आप सबको पसंद आया होगा। आप लोग भी इसे घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।